एपिसोड के स्टार्टिंग में जुन को अपनी सारी पास्ट की बातें याद आ चुकी थी और उसे पता चल चुका था कि शिमच्योंग एक जलपरी है। अब वो इधर उधर उसे ढूंढ रहा होता है। उधर देयंग को भी एक बुरा सपना आता है और उसे भी अपनी पास्ट की सारी बातें याद आ जाती है। वो पहले एक गाँव का मुखिया था और वहाँ का राजा किम यानी जुन था, और जुन के घर जो लड़की रहती है वो एक जलपरी है। अब जुन घर जाता है, वहाँ उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि शिमच्योंग अपना सारा सामान लेकर घर से जा चुकी है। इससे जुन उसके लिए और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। जब वो अपने रूम में जाता है तो शिमच्योंग का ऊपर वाला रूम देखकर उसे उसकी याद आती है। फिर वो उसके रूम में जाता है जहाँ वो एक पॉट में उसके मोतियों को देखता है और सोचता है कि क्या मैं किसी परियों की दुनिया से हूँ या फिर उस दुनिया से शिमच्योंग मेरे लिए यहाँ आई है। फिर हम शिमच्योंग को देखते हैं जो मॉल में आई होती है और वो अपना सारा सामान देकर जो उसने जुन के साथ खरीदा था उसे देकर फिर से पैसे ले लेती है। अब वहाँ पर उसे जुन का सौतेला भाई ह्यून उसे देख लेता है। जब शिमच्योंग मॉल से बाहर आ जाती है तो वो जुन की बातों को याद कर रही होती है, तभी ह्यून उसके पास आ जाता है। उसे देखकर शिमच्योंग कहती है, जुन के रिश्तेदार, वो कहता है कि आप मुझे सिर्फ ह्यून बुला सकती हैं। अब ह्यून उसे पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। वो कहती है कि मैं जुन के घर रहती हूँ। फिर वो उसे जुन के घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन शिमच्योंग उसे मना कर देती है। फिर ह्यून शिमच्योंग की बताई हुई जगह पर उसे छोड़ देता है। शिमच्योंग को इस जगह के बारे में पहले से ही पता था, उसने टीवी में देखा था कि ये जगह उन लोगों के लिए होती है जिनका कोई घर नहीं होता। अब शिमच्योंग वहाँ मेन लॉकर रूम में जा रही होती है, तभी ह्यून उसे बताता है और लेडीज लॉकर रूम की तरफ जाने के लिए कहता है। फिर शिमच्योंग लॉकर में अपने पर्स में पैसे और फोन रख देती है, तभी कुछ स्कूल की लड़कियां उसे देख लेती है। उधर जुन और उसके दोस्त सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से शिमच्योंग का पता लगा रहे होते हैं। फिर जुन नामदू से पूछता है कि क्या तुमने इंसान और जलपरी की कहानी सुनी है, उसमें लास्ट में क्या होता है। वो कहता है कि लास्ट में जलपरी मर जाती है। जुन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब शिमच्योंग उधर अपने लिए सोने की जगह ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं भी खाली जगह नहीं मिलती और लोग उसे दूसरी जगह पर सोने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जुन उस भिखारी औरत के पास जाता है जिससे शिमच्योंग मिला करती थी। वो भिखारी जुन से फालतू ही बातें कर रही थी और जुन से ये भी कहती है कि अगर तुम अच्छे होते तो शिमच्योंग तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती। अब जुन उसे ये बोलकर चला जाता है कि शिमच्योंग का जैसे ही पता चले तो उसे कहना कि मुझे जल्दी कॉल करे। आगे वो स्कूल की लड़कियां शिमच्योंग का पर्स चुरा लेती है जिसमें ढेर सारे पैसे होते हैं, और शिमच्योंग का फोन भी ऑन कर देती है जिससे जुन के पास मैसेज चला जाता है और उसे शिमच्योंग की लोकेशन दिखाई देने लगती है। अब वो जल्द से जल्द उस जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। अब जुन उस जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि कुछ स्कूल की लड़कियां पैसे बांट रही होती है। फिर वो उनसे शिमच्योंग का फोन ले लेता है। वो कहता है कि ये फोन तुम्हें कहां से मिला। उनमें से एक लड़की कहती है कि ये फोन मेरा है। तभी जुन अपने फोन में से शिमच्योंग को कॉल करता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड का फोन है। अब जुन उन लड़कियों से कहता है कि तुम ये सारे पैसे रख लो, लेकिन मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बता दो, वो कहाँ है। फिर वो शिमच्योंग के बारे में बता देती है। तभी जुन अपने तरीके से उन लड़कियों से पैसे भी ले लेता है। उधर शिमच्योंग से मिलने ह्यून आता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। शिमच्योंग उसे बताती है कि रात भर उसे नींद नहीं आई, इसीलिए उसे भूख भी नहीं लग रही है। फिर शिमच्योंग अपने सर से अंडा फोड़कर खा रही होती है। उसकी ये हरकतें ह्यून को बहुत अजीब लगती है। अब जुन भी उसे ढूंढता ढूंढता वहाँ आ जाता है। जब वो उसे वहाँ देखता है तो उसे तसल्ली हो जाती है। शिमच्योंग भी उसे देख लेती है। फिर जुन उसे आकर हग कर लेता है। फिर जुन शिमच्योंग से कहता है कि तुम्हें किसने कहा था घर छोड़कर ऐसी जगह पर रहने के लिए, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और इस जगह का पता किसने दिया तुम्हें। शिमच्योंग बताती है कि ह्यून उसे यहाँ छोड़कर गया था। अब जुन ह्यून से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे गलत मत समझना, शिमच्योंग मुझे कल रात रास्ते पर मिली थी और वो घर नहीं जाना चाहती थी। फिर जुन शिमच्योंग को अकेले में बात करने के लिए ले जाता है। शिमच्योंग उसे कहती है कि मैंने मॉल से लिया सारा सामान वापस रिफंड कर दिया था। फिर जुन उसे उसके पैसे और फोन दे देता है। शिमच्योंग पूछती है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आए। जुन कहता है कि भले ही मैं बुरा शख्स हूँ, लेकिन मुझसे बुरे शख्स और भी हैं, इसीलिए ध्यान रखा करो। फिर जुन उसे पूछता है कि क्या तुमने कुछ खाया। शिमच्योंग कहती है कि हाँ, लेकिन उसका और भी टेस्टी फूड खाने का मन कर रहा था और वो ये बात अपने मन में कह रही होती है, लेकिन जुन उसके मन की बात सुन लेता है। फिर वो उसे कहता है कि चलो मेरे साथ, घर में मैंने तुम्हारे लिए टेस्टी फूड बना रखा है। लेकिन शिमच्योंग उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। जुन पूछता है कि क्यों। तब शिमच्योंग अपने मन में कहती है, क्योंकि तुम एक चोर और धोखेबाज इंसान हो और मुझे भी धोखा दोगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना जीना मुश्किल नहीं है। और ये सारी बातें जुन सुन लेता है। फिर जुन कहता है कि अगर तुम नहीं जाना चाहती तो यही रह लो,
और यहाँ से कहीं और मत जाना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब जुन बाहर आकर उसके मन की बात सुनने की कोशिश करता है कि शायद शिमचोंग ये बोल दे कि मत जाओ जुन, लेकिन शिमचोंग ऐसा कुछ भी नहीं कहती। तब जुन कहता है कि क्या मुसीबत है यार, कितनी पत्थर दिल है। अब जुन वहाँ से जा रहा होता है तभी ह्यून उसे मिलता है और वो उसे कहता है कि आजकल डैड की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। जुन पूछता है कि क्या हुआ उन्हें, तब वो बताता है कि उनकी नजरें कमजोर हो चुकी है और उन्हें कैटरेक्ट हुआ है। तब जुन ह्यून से कहता है कि अब तुम ही उनका ध्यान रखो, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। आगे हम देखते हैं कि पुलिस देयंग के केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उन्हें पता चलता है कि उसकी लाइफ में एक कांगजी ह्यून नाम की औरत थी। जब वो कांगजी ह्यून की हिस्ट्री पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी दो बार और शादी हो चुकी है और उसके दोनों ही पति मर चुके हैं। अब वो जहाँ पर पहले थी तो पुलिस वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है, जहाँ लोगों से पता चलता है कि उसका पहला पति बहुत हेल्दी था लेकिन अचानक उसकी नजरें कमजोर हो गई और वो एक्सीडेंट में मारा गया। दूसरे पति के बारे में भी ऐसा ही कुछ था कि उसकी भी नजरें कमजोर हो गई और बीमारी से उसकी मौत हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जुन के पिता की वाइफ कांग सी हुई उनकी तबीयत के बारे में पूछ रही होती है। वो कहते हैं कि मुझे डॉक्टर किम के पास वापस जाना होगा क्योंकि दवाइयां का कुछ भी असर नहीं हो रहा। कांग सी हुई कहती है कि मैंने डॉक्टर से कॉल पर बात करी है, उन्होंने यही कहा कि आप सारी दवाई टाइम पर ले और रेस्ट करें। अब जिंजू और उसका पति यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर उनसे क्या गलती हुई, किम उनके घर से क्यों चले गए और अब वो फोन भी नहीं उठा रहे। तभी उनकी मेट कहती है कि आप लोगों का लालच सामने दिख रहा था इसीलिए वो चले गए। ये सुनकर जिंजू को अपने पति पर गुस्सा आता है। वो उसे मारने लगती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर उसकी मेट शॉक हो जाती है। आगे जुन घर जाता है और शिमचोंग के बारे में कहता है कि घर होते हुए भी उसे वहाँ किसने बोला था सोने के लिए। अब नामदू भी जुन के रूम में आकर सोता है क्योंकि उसके रूम की एसी खराब हो चुकी थी। फिर जुन को पुरानी बातें याद आ रही होती है। शिमचोंग किसी लड़के के बारे में बात किया करती थी तो जुन उस लड़के को बेवकूफ कहा करता था। अब उसे पता चल गया था कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जुन ही था। फिर वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि वो पागल लड़का मैं ही था जिसे वो एक अच्छा इंसान कहा करती थी। नामदू उसकी हरकतों से परेशान हो जाता है और कहता है कि तुमने मेडिसिन नहीं ली इसीलिए ये सब कर रहे हो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब जुन फिर से शिमचोंग के पास जाने के लिए निकल जाता है और उसी की बातों के बारे में सोचकर हंस रहा होता है। अब जुन शिमचोंग के पास पहुँच जाता है। शिमचोंग सो रही होती है, उसे देखकर जुन को तसल्ली होती है। फिर वो देखता है शिमचोंग के पास जो आदमी सो रहा था वो धीरे धीरे उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था। तभी जुन उसके पेट पर पाँव देकर शिमचोंग के पास चला जाता है। वो उसका चेहरा देखते देखते वहीं उसके पास सो जाता है। अब जैसे ही शिमचोंग की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके पास जुन सो रहा है। वो कहती है कि अपनी आंखें मत खोलना जुन, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहती हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें सदियों से ना देखा हो। अब वो दोनों सो रहे होते हैं तभी शिमचोंग अपने मन में कहती है कि ठंड लग रही है। जुन अपनी ब्लैंकेट उसे उड़ा देता है लेकिन शिमचोंग सोचती है कि जुन को भी ठंड लग रही होगी इसीलिए वो फिर से उसे उड़ा देती है। लेकिन जुन कहता है कितनी गर्मी हो रही है और फिर वो ब्लैंकेट उसकी तरफ फेंक देता है। अब शिमचोंग वो ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। आगे चाशिया अपने किसी काम से उसके घर की मेड को ढूंढ रही होती है। तभी वो उसके रूम में उसका फैमिली फोटो देखती है जिसमें उसके लड़के को देखकर कहती है कि ये तो बहुत स्मार्ट है। फिर चाशिया जुन और उसके दोस्त के लिए ब्रेकफास्ट पैक करवा कर उनके घर जाती है। वहाँ वो सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी चाशिया उन सबको अपने घर खाने के लिए बुलाती है लेकिन सब मना कर देते हैं। फिर वो शिमचोंग के बारे में पूछती है कि क्या अब वो वापस नहीं आएगी। नामदू कहता है कि जुन के साथ उसका पैचअप हो जाएगा तो वो फिर से आ जाएगी। ये सुनकर ताय जुन को घूरने लगता है कि उसकी वजह से शिमचोंग घर छोड़कर चली गई। फिर अचानक से ताय का हाथ चाशिया पर चला जाता है। अब इसी वजह से चाशिया ताय को अकेले में ले जाकर कहती है कि तुम ऐसे सबके सामने छेड़खानी नहीं कर सकते उसे, और उसे सुनाने लगती है। ताय तो उसकी बातों से बोर हो रहा था लेकिन वो उसे सच भी नहीं बता सकता था कि वो उसे प्यार नहीं करता। फिर चाशिया उसका जबरदस्ती फोन लेकर अपना नंबर सेव कर देती है और कहती है कि तुम उससे बात करना चाहो तो कॉल कर लेना, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। मैं तुम्हें दिल तो नहीं दे सकती लेकिन साथ में ड्रिंक पिलाने ले जा सकती हूँ। आगे शिमचोंग स्विमिंग पूल के पास खड़ी होती है और उसमें गिरने ही वाली होती है तभी जुन उसे आकर बचा लेता है। शिमचोंग अपने मन में कहती है आज तो बच ही गई। फिर वहाँ कुछ लेडीज पानी से खेल रही होती है, जुन उस पर पानी नहीं आने देता और लेडीज पर चिल्लाने लगता है। फिर वहाँ कुछ बच्चे पानी डाल देते हैं और पानी के साथ खेल रहे होते हैं। जुन उन्हें भी डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं है ये पानी कितना खतरनाक है। फिर जुन वहाँ से वाटर कूलर भी हटाकर शिमचोंग से दूर रख देता है। उसकी ये सभी हरकतें देखकर दूसरे लोग उसे पागल कहते हैं। फिर वहाँ की लेडीज
सिमचंग से कहती है कि तुम वापस घर कब जा रही हो, क्योंकि तुम्हारे पति ने हमारे नाक में दम करके रखा है। उसे सुलह कर लो और फिर से अपने घर चली जाओ, हमें यहाँ सुकून से रहने दो। आगे जिंजू अपनी बच्ची को स्कूल लेने जाती है, जहाँ सिमचंग की फ्रेंड उस छोटी बच्ची जिसका नाम यूना होता है उसे मिलती है। फिर वो उसे सिमचंग के बारे में पूछती है और कहती है, उनसे कहना मैं बहुत अच्छी हूँ और तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। अब यूना सिमचंग से मिलने आई होती है। वो ये सारी बातें उसको बता देती है और कहती है कि उन्होंने ही मुझे ये सब बोलने के लिए कहा, बाकी मेरा दिल नहीं था। फिर वो उसे बताती है कि उसके स्कूल में फंक्शन है, लेकिन उसकी मॉम वहाँ नहीं आएगी और मेरा डांस देखने वाला वहाँ कोई भी नहीं है। फिर यूना और सिमचंग वहाँ लगे क्रिसमस ट्री के पास अपनी विश लिखते हैं। यूना लिखती है कि उसके मॉम और डैड उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आ जाएं, और सिमचंग अपनी विश लिखती है। नेक्स्ट डे यूना के स्कूल में सिमचंग आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ढेर सारे पिक्स और तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने आई हूँ। फिर वहाँ जून और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। जिंजू भी वहीं होती है और उन्हें देखकर खुश हो जाती है। अब फंक्शन स्टार्ट होता है और यूना को बहुत खुशी होती है कि उसका परफॉर्मेंस किसी ने देखा, और सिमचंग भी बहुत खुश होती है। फिर सिमचंग, जून और उसके दोस्त वहाँ से एक रेस्टोरेंट जा रहे होते हैं, तभी देयंग उनका पीछा करता है। उधर रेस्टोरेंट में नामदू कहता है कि सिमचंग के फिर से वापस आ जाने से कितना अच्छा लग रहा था। वो उसे कहता है कि जब तुम घर पर नहीं थी तो फ्रिज भरा पड़ा था, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल खाली था। फिर सिमचंग जून से एक वादा करने के लिए कहती है कि तुम सिर्फ अच्छे झूठ बोला करोगे, ऐसा झूठ नहीं जिससे लोगों को तकलीफ हो। जून भी उसे वादा कर लेता है कि वो अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसके दोस्तों को शौक होता है और कहते हैं कि जून क्या ये भी एक झूठ है। फिर जून उसके दोस्तों को घर जाने के लिए कहता है और सिमचंग को अपने साथ कहीं ले जाता है। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं, जहां जून सिमचंग से कहता है कि तुम यहीं रुकना, मैं बस आ रहा हूं। वो उसके लिए वही पिंक ऑक्टोपस लेने के लिए गया था। वहां पर पुलिस देयंग को ढूंढते ढूंढते आ जाती है, लेकिन उन्हें जून भी दिख जाता है और वो उसे अरेस्ट कर लेती है, जिससे जून के हाथ से वो पिंक ऑक्टोपस नीचे गिर जाता है। अब सिमचंग उसका वहीं पर वेट कर रही होती है और वहां पर देयंग भी आ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जून को पुलिस पकड़कर ले जाती है। फिर वहां सिमचंग को वही पिंक ऑक्टोपस परा हुआ मिलता है, जिसे वो उठाकर ले लेती है और जून को कॉल लगाती है। उधर पुलिस से जून को पता चलता है कि वो यहाँ देयंग को पकड़ने आई थी। फिर जून कहता है कि वो देयंग मुझे ही ढूंढ रहा है और वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड अकेले खड़ी है। फिर पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जून सिमचंग को कॉल करके कहता है कि मुझे एक ज़रूरी काम आ गया, इसीलिए मुझे जाना पड़ा, तुम इस वक्त घर चली जाओ। फिर सिमचंग कहती है कि मेरे सामने ही एक टैक्सी खड़ी है, मैं इसमें चली जाऊंगी। अब वो टैक्सी में बैठती है और उसी में देयंग होता है। ये बात जून को पता चल जाती है और सिमचंग का फ़ोन कट हो जाता है। फिर जून पुलिस वालों से कहता है कि वो ज़रूर उसे नामसून लेकर गया होगा, हमें भी फौरन वहां पर जाना होगा। अब पुलिस उस रास्ते पर नाकाबंदी लगा देती है, लेकिन देयंग दूसरे शॉर्टकट रास्ते से चला जाता है और इस रास्ते के बारे में जून को भी पता होता है। आगे देयंग सिमचंग को एक बंद पड़े हॉस्पिटल में लेकर जाता है। जैसे ही सिमचंग को होश आता है तो वो देखती है कि देयंग एक ड्रम में पानी भर रहा था और उसे पूछती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। वो कहता है कि मुझे एक ख्वाब कई दिनों से बेचैन कर रही है, जिसमें मैंने देखा कि तुम एक जलपरी हो। और ये सुनकर सिमचंग शॉक हो जाती है। फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम इस पानी में चली जाओ तो सच सामने आ जाएगा। अब जून और पुलिस भी उसी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। फिर देयंग सिमचंग को पानी में डालने वाला होता है, तभी वो उसे कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुमने कौन सा ख्वाब देखा, लेकिन अगर मैं जलपरी थी तो मैंने ये बात तो बताई होगी कि जलपरी इंसान को छूकर उसकी याददाश्त मिटा सकती है। अब देयंग को अपने पास्ट की बातें याद आ जाती है, वहाँ दूसरे लोगों ने भी उसे यही बात कही थी। अब जैसे ही सिमचंग उसे छूने वाली होती है, देयंग डर जाता है और तभी वो वहाँ जून को भी देख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर सिमचंग अपने मन में कहती है कि जून बचा लो मुझे, और जून उसे देख लेता है और उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है और कहता है कि माफ कर दो, मुझे आने में देरी हो गई। अब देयंग टैक्सी में बैठकर वहां से फरार हो जाता है। आगे जून सिमचंग को लेकर घर आ जाता है। नामदू से कहता है कि तुमने न्यूज में देखा, पूरे शहर में पुलिस देयंग को ढूंढ रही है। और तभी वो पुलिस वहां आ जाती है। नामदू और ताय उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। अब जून सिमचंग को अपने रूम में ले जाकर सुला देता है। वो उसे देयंग के बारे में कहना चाहती थी, लेकिन जून कहता है कि अभी तुम सो जाओ, थक गई होगी, और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। फिर सिमचंग कहती है कि घर से बाहर तकलीफें मिलती हैं, मुझे घर वापस आकर अच्छा लगा। फिर जून उसे बताता है कि हमेशा हम इसी घर में नहीं रुक सकते, क्योंकि ये घर मेरा नहीं है और सिर्फ 2 साल के लिए ही किराए पर है, लेकिन यहाँ का सारा सामान मेरा है और जब हम यहाँ से जाएंगे तो तुम्हें ही ये सारा सामान उठाना होगा और मेरे साथ चलना होगा। फिर वो उसे कहता है कि तुम अब रेस्ट करो, मुझे बाहर आए
उन लोगों से कुछ बातचीत करनी है। आगे जुन पुलिस वालों से बात करता है। वो जुन से कहते हैं कि हमें उस लड़की से पूछताछ करनी है। जुन कहता है कि अभी वो आराम कर रही है, उससे ज्यादा देयंग के बारे में मैं जानता हूँ। फिर वो उनको देयंग के खिलाफ सबूत दिखाते हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज की वीडियो में वो उसके घर आया था और उसने जुन का अंकल बनकर उसको मैसेज करके बुलाया था। पुलिस वाले कहते हैं कि क्या तुमने उसके साथ कोई स्कैम तो नहीं करा। जुन मना कर देता है। अब जुन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ देयंग को ढूंढने में हेल्प करूंगा और मेरा मामला हम बाद में निपटा लेंगे। आगे शिमचोंग अपने मन में सोच रही होती है कि ये सामान उठाना क्या होता है, शादी करना होता है क्या, या फिर वो मुझसे सिर्फ सामान उठाना चाहता है और शादी किसी और से करना चाहता है। जुन ये सारी बातें सुनकर हंस रहा होता है। अब शिमचोंग कहती है, जुन ने मेरे बाल क्यों छुए, क्या उसे मुझसे प्यार है। यही सोचकर वो खुश हो रही होती है, लेकिन बाद में उसे ख्याल आता है कि अगर वो मुझसे प्यार करता तो झगड़ा नहीं करता। अब शिमचोंग वही सब बातें सोच रही होती है, जैसे जुन को नींद नहीं आती और वो उसे कहता है कि अब सो भी जाओ, ज्यादा मत सोचो और सुबह तुम्हें अपना शो भी देखना है। अब शिमचोंग जुन को गुड नाइट बोल देती है, लेकिन वो फिर भी वही सारी बातें सोचने लगती है और जुन को बिल्कुल भी नींद नहीं आती और वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिनजू कांग सियोही को कॉल करके अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है। अब कांग सियोही अपने पति की दवाइयां बदल रही होती है और ये सब ह्युन देख लेता है। फिर वो उन दवाइयों को देखता है क्योंकि उसे अपने मॉम पर शक था। आगे जुन और सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। नामदू जुन और शिमचोंग से पूछता है कि क्या तुम दोनों कल रात सोए नहीं थे। शिमचोंग कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं सोच में पड़ी थी। जुन भी कहता है कि हाँ, ये बहुत सोच रही थी और कमरे के चक्कर काट रही थी, इसीलिए मैं भी नहीं सो पाया। फिर जुन को याद आता है कि कैसे एक दिन स्विमिंग पूल में जलपरी बनकर तैर रही थी, इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि आज हम तीनों बाहर क्रिसमस ट्री लेने जाएंगे। शिमचोंग कहती है कि मैं भी आऊंगी, लेकिन जुन मना कर देता और कहता है कि तुम इस घर की रखवाली करना। अब शिमचोंग सोचती है कि जुन मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहता है ताकि मैं अकेले तड़प तड़प कर मर जाऊं। जुन कहता है कि नहीं, तुम तीन मर्दों के बीच रहती हो इसीलिए कुछ कर नहीं पाती होगी। हम लोग 7 बजे से पहले नहीं आएंगे और तब तक तुम घर पर मजे करना और जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। अब शिमचोंग फिर से सोचने लगती है, क्या जुन चाहता है कि मैं इस घर में झाड़ू पोछा लगाऊं। जुन कहता है कि तुम्हें सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है और फिर उसके गाल खींचने लगता है। उसके दोस्त जुन से कहते हैं, इसके गाल मत खींचो, उसे दर्द होगा। अब जुन जब शिमचोंग का गाल खींच रहा होता है तो शिमचोंग सोचती है कि मुझे दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, आखिर ये कैसा एहसास है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही। और फिर जुन के भी गाल खींचने लग जाती है और वो उसे बचने के लिए भागता है। फिर उन दोनों के बीच में क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। जुन उसे कहता है कि जब तुम तन्हा होती हो तो सिर्फ अपनी सुना करो। शिमचोंग फिर से अपने मन में सोचने लगती है, इससे जुन परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। आगे जुन के पिता अपने वकील से कह रहे होते हैं कि वो अपनी सारी जायदाद जुन के नाम करना चाहते हैं और उनकी ये सारी बातें ह्युन सुन रहा होता है और उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। फिर कांगसी हुई जिंजू से मिलने आई होती है। जिंजू उसके साथ बिजनेस की बातें कर रही होती है, लेकिन कांगसियोही को फोन आ जाता है और वो उसकी बातें इग्नोर कर देती है। तभी जिंजू बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कितना सारा खाना खिलाया लेकिन तुमने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बनाया, और मैंने न्यूज़पेपर में सब पढ़ा था कि तुमने कैसे अपने क्लासमेट की दोस्त के पति को फंसाकर कैसे उनसे शादी करी थी, तुम एक लालची औरत हो। और फिर वो कांगसियोही को वहां से दफा हो जाने के लिए कहती है। आगे जुन के घर पर सभी लोग क्रिसमस की पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। चाशा भी वहीं आई होती है। शिमचोंग रेडी हो रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि कौन सी ड्रेस पहनूं। जुन को तो शॉर्ट ड्रेस पसंद नहीं है और मुझे चाशा से खूबसूरत दिखना है। जुन उसकी बातों पर मुस्कुरा रहा होता है। तभी शिमचोंग वहां आती है। वो सच में बहुत सुंदर लग रही होती है। नामदू उसकी तारीफ करता है और जुन तो उसे देखता ही रह जाता है। फिर ताय शिमचोंग की पिक लेता है। जुन उसे फिर से डांटने लग जाता है और ये सब देखकर चाशा जलस हो रही होती है। फिर आगे सभी लोग खाना खाते टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। अब शिमचोंग जब वॉशरूम से आती है तो चाशा उसे कहती है कि तुम फिर से यहाँ आ गई। शिमचोंग कहती है कि ये मेरा घर है और मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ, और 1.5 साल बाद जुन और मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। फिर वो शिमचोंग से पूछती है कि क्या तुम और जुन शादी करने वाले हो। शिमचोंग कहती है कि अभी तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने मुझसे प्यार करने के बारे में सोच रखा है। अब चाशा कहती है कि तुम एक मछली हो और समंदर में फिर से चली जाओ क्योंकि तुम्हारी जगह वही है। आगे हम देखते हैं कि कांगसी हुई
देयंग को कॉल कर रही होती है, लेकिन वो बहुत परेशान होता है इसीलिए उसका कॉल रिसीव नहीं करता। अब वहाँ पर उसका बेटा ह्यूना जाता है। वो अपने असली पिता के बारे में पूछता है, तभी उसकी मॉम कहती है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारा उनके बारे में ना जानना ही बेहतर है, इसीलिए हमें उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, और अभी जो तुम्हारे पिता हैं तुम्हें उनका ध्यान रखना होगा। फिर चाशा ने बाहर ताई को मिलने बुलाया होता है। वो उसे अपनी तस्वीर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें मेरी तस्वीर चाहिए थी तो मांग लेते, ऐसे छुपकर तो मेरी तस्वीर ना लेते। ताई उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और अपने और जुन के बारे में बात करने लग जाती है। वो कहती है कि वो जुन से बहुत सालों से प्यार करती है। अब ड्रिंक की हालत में चाशिया जुन को कॉल करती है और रोते हुए उसे अपने प्यार का इजहार कर देती है। जुन को उसकी ये सारी बातें फालतू लग रही होती है, क्योंकि वो चाशिया में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो उसे कहता है कि ताई को बोलो वो तुम्हें घर छोड़ देगा। आगे शिमचांग जुन के बेड पर सो रही होती है। वो सोचती है कि क्या जुन मुझे एक मछली समझता है। जुन उसे कहता है सो जाओ और उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिंजू को होश आ जाता है, तो उसे लास्ट नाइट के बारे में सब याद आ जाता है कि कैसे उसने कांगसियोही की इंसल्ट करी थी, और अब वो इस बात का रिग्रेट कर रही होती है। उधर चाशा को भी होश आ जाता है। जब वो अपना फोन चेक करती है तो उसे भी याद आ जाता है कि उसने लास्ट नाइट जुन को क्या बोला था, और वो भी रिग्रेट कर रही होती है। तभी वहाँ उनकी हॉस्पिटल जाने के लिए पूछने आती है, और वो उन दोनों की हालत देखकर शॉक हो जाती है। फिर जिंजू कांगसियोही से माफी मांगने जाती है और उसके पैर पर के बार बार उसे माफ करने को कहती है। आगे शिमचांग ताई के पास जाती है। वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे गाल हमेशा लाल ही रहते हैं, क्योंकि ताई ब्लश कर रहा होता है इसलिए उसके गाल लाल होते हैं। फिर वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझे कंप्यूटर चलाना सिखा सकते हो, टीवी देख देख कर मैं बोर हो चुकी हूँ, और क्या हम इसमें कुछ भी ढूंढ और सीख सकते हैं। ताई पूछता है कि आखिर क्या सीखना है। फिर वो उसे कान में कहती है किसी के जाल और प्यार से कैसे बचा जाए। अब उन दोनों को जुन देख लेता है और उन्हें दूर होने के लिए कहता है। शिमचांग कहती है कि ये मुझे कंप्यूटर चलाना सिखा रहा है। तब जुन कहता है कि मैं सिखा दूंगा। फिर शिमचांग अपने मन में कहती है कि मुझे जानना है कि तुम्हें मुझसे प्यार है या मुझे जाल में फंसाया है। अब जुन उस पर चिल्लाता है और बाद में कहता है कि ठीक है सीखो कंप्यूटर चलाना। आगे जुन के पिता और उनकी वाइफ कांगसियोही हॉस्पिटल आए होते हैं। डॉक्टर को हैरानी होती है कि आखिर उन पर दवाइयों का असर क्यों नहीं हो रहा। वो उन्हें ऑपरेशन करवाने के लिए कहते हैं। अब कांगसियोही जब उनके लिए दवाई लेने जाती है तो जुन के पिता वहाँ हॉस्पिटल में अकेले बैठे होते हैं। तभी जुन की माँ यानी उनकी पहली पत्नी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। अब क्योंकि जुन के पिता की नजरें कमजोर हो चुकी थी इसीलिए वो अपनी पहली पत्नी को नहीं देख पाते। फिर वहाँ कांगसियोही आ जाती है और वो दोनों चले जाते हैं। उन दोनों को देखकर जुन की माँ को अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे कांगसियोही उसके बचपन की दोस्त थी और एक दिन वो उसके घर आई थी और उसने जुन की माँ से कहा था कि उसका पति गुजर चुका है और उसके लिए अकेले बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल है। फिर जुन की माँ ने उसे कहा था कि मेरे पति का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और तुम फिक्र मत करो, और एक पॉलिसी के बारे में बताते हुए उसे अपने पति के ऑफिस जाने के लिए कहती है। और अब इस बात से जुन की माँ को रिग्रेट हो रहा था। आगे हम देखते हैं कि ह्यून जुन को कॉल करता है। जुन कहता है क्या तुम हम दोनों को दोस्त समझने लगे हो। ह्यून ने बहुत ड्रिंक करी होती है और कहता है कि एक सगा और सौतेला कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो कहता है कि तुम्हें ही पिता का ध्यान रखना होगा, मैं अब सिर्फ अपनी माँ का ध्यान रखूंगा और यही मेरा फर्ज है, और फोन कट कर देता है। जुन सोच रहा होता है कि आखिर उसने ये सब क्यों बोला। फिर जुन अपने रूम में जाता है और शिमचांग उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फिर वो अपने मन में वही सारी बातें सोचने लगती कि क्या जुन मुझसे प्यार करता है या नहीं। फिर वो जुन से कहती है कि कुछ नहीं, आज पूरी रात मैं सोचूंगी और फैसला करके तुम्हें बता दूंगी। अब वो ऊपर अपने रूम में जा रही होती है। फिर जुन उसे रोक कर कहता है कि क्या तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, और फिर उसे किस कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।